बर्बाद हुई, तबाही ने हर कम मचा दिया। बताया गया कि सबसे ज्यादा नुकसान अगर कहीं हुआ है तो वो है शिमला। लगातार खराब मौसम को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में स्कूल कॉलेज बंद रखने का ऐलान कर दिया गया है। एसडीआरएफ की टीम लोगों की मदद में लगातार जुटी हुई है, वायुसेना की मदद ली जा रही है, वायुसेना के जो हेलीकॉप्टर हैं उनके द्वारा मदद ली जा रही है। अलग अलग इलाकों में जो लोग फंसे हैं उनको रेस्क्यू करने का काम किया जा रहा है। अब तक करीब करीब 150 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही आशंका जताई कि हिमाचल प्रदेश में कुछ दिन हालात ऐसे ही रहने वाले हैं, यानी तेज बारिश हिमाचल प्रदेश में होगी, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश में स्कूल कॉलेज बंद रखने का आदेश दिया गया। सबसे ज्यादा तबाही शिमला में हुई, जहां एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ वायुसेना की टीम रेस्क्यू में जुट गई। वहीं सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से करीब 150 लोगों का रेस्क्यू किया गया। इसके साथ ही अलग अलग इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने में रेस्क्यू टीम जुट गई। उधर हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश से हाहाकार मच गया। कई जगहों पर लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ा तो कुछ इलाकों में पहाड़ खिसकने से भारी तबाही हुई, जिससे मंडी के एक इलाके में कई मकान तिनके की तरह बह गए। वहां से सामने आई तस्वीर में दिखा कि पहाड़ से बारिश का पानी सैलाब की तरह नीचे आया और अपने साथ सब कुछ बहाकर ले गया। पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि उसके सामने पक्के मकान भी नहीं ठहर सके। पहाड़ के ऊपर से सैलाब के रूप में न सिर्फ पानी नीचे आया बल्कि बड़े बड़े पत्थर भी तेजी से नीचे गिरे, जिसकी वजह से वहां भयंकर तबाही देखने को मिली। क्योंकि उन पत्थरों की वजह से कुछ भी सही सलामत नहीं बचा। पहले तो वहां छोटे छोटे पत्थर गिरते दिखाई दिए, लेकिन बाद में बड़े पत्थर भी सैलाब के साथ बहकर कई इलाकों में पहुंच गए। गरिमत यह रही कि इस आफत को देखते हुए वहां रहने वाले लोग पहले ही अपने मकान खाली कर चुके थे, जिससे उनकी जान बच गई। लेकिन भारी बारिश से इसी तरह राज्य के कई दूसरे जिलों में भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इधर हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने के बाद नदियां और नाले उफान पर आ गए, जिसकी वजह से वहां मौजूद कई मंदिर और घाट आधे से ज्यादा डूब गए। पिछले 24 घंटों से राज्य के कई हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश ने वहां जमकर तबाही मचाई, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया। क्योंकि पहाड़ से मलबा खिसकने से लोगों के मकानों को भारी नुकसान पहुंचा। वहां से जो तस्वीर सामने आई उसमें ब्यास नदी खतरे के निशान पर तेज रफ्तार से बहती दिखाई दी। नदी की तेज धार को देखकर ऐसा लगा कि जो भी उसके सामने आएगा वो तिनके की तरह बह जाएगा। वहीं दूसरी तस्वीर में पंचवक्त मंदिर आधे से ज्यादा डूबा नजर आया, जबकि पानी की उफनती लहरों में वहां मौजूद शिव की मूर्ति नदी में समा गई और सिर्फ त्रिशूल ही बचा रह गया। सारा मलबा नीचे आ चुका है और नदी का पानी भी काफी अधिक मात्रा में बढ़ रहा है। पहाड़ खिसकने की वजह से प्रशासन ने मंडी के कई इलाकों में चेतावनी जारी कर दी। उत्तराखंड के ऋषिकेश से सिलसिला आने वाला एक मामला सामने आया, जहां तेज बहाव में एक ही परिवार के 4 लोग बह गए, जिसमें एक आदमी को एसडीआरएफ की टीम ने बचा लिया।